वरना तो स्वाभाविक है, बदलो अवश्य भावी है। और जो भी समझ रहे हैं इसको आप समझ नहीं सकते, तो संसार को आप साथ में लेकर नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संसार में दिखाई पड़ा तो भगवान कृष्ण से बड़ा व्यक्ति कोई है नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण भी अपने परिवार को पहले नष्ट ब्राह्मणों के साथ माध्यम से अभिशप्त किए और परिवार को भी नष्ट किए। अभी जैसे प्रोफेसर सचिन साहब हम लोग बता रहे थे कि गुरु के नजदीक में जो व्यक्ति रहेगा, भगवान के जो नजदीक में जाएगा, उनको बोल नहीं होता है कि भगवान नहीं गुरु है। उनके साथ तो सामान्य व्यवहार होता है, अरे ये भी भोजन करते हैं, ये भी दवाई खाते हैं, ये भी घूमते फिरते रहे, ये भी सोते रहते हैं, और हमें और इनमें क्या फर्क है, ऐसा भाव आ जाता है। ये आपका भाव है लेकिन वो किस भाव में है आप उनको नहीं पहचान सकते। इसलिए हर समय कोशिश करिए, हम लोगों को सबको संसार को छोड़ना है, लेकिन जो संसार के साथ मेरापन को बढ़ा रहे हैं, मेरापन केवल परमात्मा के साथ होना चाहिए। भगवान मेरे हैं, वो जो संसार है ये व्यवहार के लिए। एक ही परिचय और वे एक ही परिचय